अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑटम डे है क्योंकि सनलाइट बिखरी हुई है पूरी तरीके से, सन बाहर है। लेकिन होता है क्या है कि अंदर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि दिन बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भी यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है विंटर्स में, उस दिन बाहर बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा होता है। तो जैसा आप सबको पता है कि आजकल हालात क्या हैं, तो दिल के अंदर एक अजीब सा डिप्रेशन और अजीब सी एक एन्जाइटी टाइप सी रहती है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं क्योंकि जो बाहर का मौसम होता है वो हमेशा आपके अंदर के मौसम को चेंज कर देता है। और जब हम यहाँ पर आए तो बिल्कुल ऐसा हुआ भी। हमने यहाँ पर आकर ये जो बर्ड्स हैं, सीगुल्स और डक्स, तो इन लोगों को हमने फीड कराया। बच्चे साथ में ब्रेड और बर्ड फूड लेकर आए थे और ये डक तो बिल्कुल डिफरेंट ही लग रही थी कलर में। तो यहाँ पे आकर हम लोगों का मूड काफ़ी चेंज हो गया था और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, वो लोग काफ़ी खुश थे। ऑटम का भी अपना एक चार्म होता है, एक ब्यूटी होती है, और मुझे तो पार्क में आने के लिए ये सीज़न सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। हालांकि इस टाइम पर सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि पार्क में और भी ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन इतने कलरफुल लीव्स होते हैं, ट्री होते हैं, इनको देख कर इतना अच्छा लगता है कि दिल को सुकून सा हो जाता है आकर। अब मैं वापस घर आके आपको दिखाने लगी हूँ। एक ये पार्सल मेरा आया है और मैंने बच्चों के कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, और ये इतना बड़ा बॉक्स था, मुझे लगा सारे ही कपड़े आ गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ही पीस आया रूहान का। और ये इतना प्यारा सा लग रहा था, इसका ब्लैक कलर। मेरा डिशवॉशर पूरा फुल हो रहा है, कोई जगह भी नहीं है इसको। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की क्लिप से मैं बताना भूल गई। तो यहाँ पे मुझे बर्तन सेट करने थे डिशवॉशर के अंदर धुलने के लिए। एक दिन पहले रात को काफ़ी लोग आ गए थे तो दावत का सा माहौल बन गया था, तो बर्तन भी काफ़ी थे, तो इसलिए फिर सारे बर्तन उसके अंदर आए नहीं, तो मुझे फिर हाथ से ही धोने पड़े। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा कि अपने प्लांट्स को आज मैं वाटर वगैरह दे लेती हूँ। और ये वो रोज़ प्लांट है जिस पर काफ़ी ज़्यादा रोज़ आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये फिर से सूखने ही लगा है, शायद इसका सीज़न ओवर हो गया है। तो इसको मैं एवरी 3 और 4 डेज़ के बाद पानी डालती हूँ इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि बच नहीं पाएगा, अफसोस। और जितने मुझे रोज़ प्लांट्स पसंद है, उतना ही मेरे घर में रोज़ के प्लांट्स बच नहीं पाते, सूख ही जाते हैं। बाकी मैं सारे प्लांट्स क्लीन कर लेती हूँ एवरी अदर वीक, तो फिर वो क्लीन ही रहते हैं क्योंकि ये किचन में रखे हुए हैं और किचन में काफ़ी हमारा देसी खाना जब बनता है तो ग्रीस काफ़ी जमा हो जाता है इनकी लीव्स पर, और अच्छी खासी डस्ट भी आती है यहाँ पर। तो इसके जो मैंने पत्ते गिर रहे थे वो सारे हटा दिए, और फिर इसको अच्छे से पानी वगैरह देकर साफ़ करके और इसको इसकी जगह पे वापस रखा। और इसी तरीके से मैं बाकी सारे प्लांट्स भी क्लीन कर लूँगी, सारी लीव्स टिश्यू पेपर से क्लीन करूँगी मिस्ट करके, और उनको साफ़ करके और फिर वापस से रख दूँगी। और ये मेरा एवरी अदर वीक का काम है क्योंकि जाहिर सी बात है कि गंदे प्लांट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, जो ये वाले प्लांट्स होते हैं इनमें सिर्फ वीक में एक ही बार पानी डालना होता है, वो भी थोड़ा सा। तो ये वाला इतना नाजुक है प्लांट कि जब मैं इसकी लीव्स क्लीन करती हूँ तो वो सब गिर जाती हैं, वो ऊपर से वाइप करने से भी बहुत टूट जाती हैं, अगर वो सूखी भी नहीं होती है, फ्रेश लीव्स ही इसकी टूट जाती हैं, इसीलिए ये इतना अजीब सा हो रहा है। तो मुझे बड़ी केयरफुल रहना पड़ता है इस प्लांट को क्लीन करते हुए। इसके बाद आ जाता है ये हमारा मनी प्लांट जो मैं आईकिया से लेकर आई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मनी प्लांट है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये मनी प्लांट ही है। तो इसके मैंने फ़िलहाल 3 प्लांट्स बना लिए हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो जैसे ही ये ओवर ग्रो हो जाता है इस प्लांटर से, तो मैं इसको दूसरे किसी जगह पर लगा देती हूँ। ये जो प्लांट है इसका नाम शायद रबर प्लांट है, और इसमें तो नीचे पानी जाने की स्पेस ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही सिंक में रख के इसके अंदर से पानी डाल देती हूँ। अच्छा, इसके बाद सारे प्लांट क्लीन करने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, और अब मैं अपना सबसे फेवरेट काम करने के लिए आ गई। तो मैं यहाँ पर यूथ क्लब सुनती हूँ, कुरान की तफसीर सुनती हूँ। अच्छा, ये जो यूट्यूब चैनल है इनका नाम है इस्लाम विद आयशा, और ये इतने अच्छे से आपको कुरान की आयतों की तफसीर बताती हैं कि उर्दू में जैसे आपको आराम से समझ में आ जाए।
इसके बाद हम निकल गए, रूहान को मैं पहले ही ले आई थी, तो मैं रूहान को वापस से लेकर जा रही हूँ रिशान को लेने के लिए, क्योंकि वो आज 1 आवर लेट आने वाले हैं स्कूल से। और इतना ये फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा है जितना डार्क असल में हो गया था। तो 4:30 का टाइम हो रहा है लेकिन बिल्कुल डार्क हो रहा था, लेकिन फ़ोन में पता नहीं कैसे इतना ब्राइटनेस आई है, आई डोंट नो। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ डिनर, और ये है दही वाले बैंगन जो मैं बना रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़े आलू भी डाल दिए हैं इन केस बच्चे खाने लगे। बच्चे जिस भी चीज़ में मसाले डले होते हैं बस उस चीज़ की खुशबू से ही कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना है। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे पास ये दाल भी रखी हुई है जो मैंने दोपहर में बनाई थी। तो ये वाली जो दाल है इसको उड़द की धुली दाल बोलते हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोग माश की दाल भी बोलते हैं, और ये मेरी अम्मी सबसे बेस्ट बनाती हैं, इतनी अच्छी और कोई नहीं बनाता, खुद मैं भी नहीं। अच्छा, इधर ये रूहान खेल रहा है बैठकर अपना पॉपअप पायरेट से, तो ये इधर खेल रहा है और उधर रिशान जो है वो बैठकर अपनी रीडिंग कर रहे हैं, तो उनको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रूहान माशाल्लाह अब इंडिपेंडेंट खेल लेता है, काफ़ी देर बिजी रहता है अपने टॉयज़ में, और जो इस टाइप्स के गेम्स वगैरह होते हैं तो ये बच्चों को अच्छे खासा बिजी रखते हैं। तो The pool of power is a mighty energy source. Power from the pool flows into the rivers and lakes of existence. The park is also space. It's a long gap. It keeps. तो आज का ये व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। आप लोग अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।